फिरोजाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें, मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद थाना शिकोहाबाद पुलिस की मुठभेड़ 25,000 रुपए के शातिर फरार चल रहे अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी अपनी पत्नी की हत्या के मामले में चल रहा था, 8 माह से फरार। पत्नी के अवैध संबंधों के शक के आधार पर हत्या की थी। जिस लड़के से पत्नी के संबंध होने का शक था, उसको मौत के घाट उतारने जा रहा था पकड़ा गया आरोपी। दोनों तरफ से चली गई गोली में पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पैर में लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल की बरामद। क्या नाम है तेरा? अच्छा कुमार। ये तमंचा किसका है? ये मेरा है। आज किसको क्यों आया था यहाँ? बंटी को, मतलब बंटी को निपटाने के लिए आया था साहब। बंटी ने, कौन है बंटी? बंटी मेरी बहुयर का यार है। मेरे भाई, उसने मेरी बीवी। पत्नी किसने मारा था? पत्नी को साहब मैंने मारा, पति थी मेरे हाथ में है? पति से मारा, मेरे पास नकली पति थी। काट दिया था? नहीं साहब, हाथ तक पहुंची मैं, उसके थोड़ा सा लग गया। फिर इसकी तलाशी लो, तलाशी लो, देखो इसके क्या है हाथ में, देखो। ये किसके हैं कारतूस? मेरे हैं साहब। और पैसे? पैसे तो मेरे हैं जी, भी पुराने नोट है साहब। ये बाइक किससे है? बाइक किसकी है? ये वाली कब? ये किस तरह का आरोपी था और क्या कार्रवाई की है पुलिस की तरफ? ये मुखबिर की सूचना पर, पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 302 का मुलजिम अच्छे प्रजापति पुत्र रामकिशन प्रजापति क्षेत्र में ही अपने आया हुआ है। तो तत्काल पुलिस SHO की टीम के द्वारा उसकी घेराबंदी के लिए छिछराई पुल भूड़ा नहर के पास जो है पुलिस जाती है। तो पुलिस से बचने के लिए पुलिस पर जो है उसने फायरिंग की। तत्काल पुलिस जो है अपना गिरफ्तारी के उद्देश्य से उसको अपना पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे उसके बाएं पैर में गोली लगी है और चिकित्सा के लिए अस्पताल ले जाया गया है और आपस से विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितना इसमें इनाम था? हाँ।